बच्चों को भी सिखाई। मैंने कहा मैं और कुछ तो लेकर नहीं आऊँगा, एक और सीरियल, क्योंकि आज के जो वो उस ज़माने में 97 to 2005 था, मैं ओपनली कहता हूँ कि 97 के बच्चों से जो उस वक्त शक्तिमान ने मार्गदर्शन दिया था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आज 2024 के बच्चों को 10 गुना ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आजकल का बच्चा घुस गया है गूगल, माँ बाप पीछे छूट गए, गुरु पीछे छूट गए, दोस्त पीछे छूट गए, भाई बहन पीछे छूट गए। ये उनका एक मोबाइल, उनका एक दोस्त होता है जो पकड़ के रखते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में फिल्म देख रहे हैं या रात को बैठकर वो देखते हैं, और इतने डिपेंडेंट हैं कि उनके पेट में भी दर्द होता है तो गूगल को पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है क्या करूँ। और आजकल की जो लड़कियाँ हैं जो चीशिंग वो ये करके जो सेल्फियाँ खींचती इधर से उधर से इधर से और फिर भेजती हैं अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने व्यूवर्स को, कैसी लग रही हूँ मैं, लोग बोलते हैं होता है, अरे मिरर के सामने खड़ी हो जाना मेरी माँ, एंड वॉच योर सेल्फ। यू सी दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग द टुडेज जनरेशन। क्यों मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि आज का बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में लिटरली घुस गया, लिटरली। मतलब मैं अगर शक्तिमान होता तो माँ बाप कुछ नहीं करते, मैंने देखा है, यहाँ तक कि छोड़िए मैं नाम नहीं बताऊँगा पर आप लोग समझ जाओगे, किसी को ये भी नहीं मालूम था कि हनुमान संजीवनी बाढ़ उठाकर किसके लिए लेकर आ रहा करोड़पति में। बस इशारा ही सही है, कॉल ऑफ फ्रेंड चाहिए उनको इस बात का जवाब के लिए, साहब ये गलती उनकी नहीं है, गलती उनके माँ बाप के, माफ करना इस इंसिडेंट में तो माँ बाप भी बहुत बड़े थे और वो भी रामायण के एक पार्ट थे, लेकिन बच्चे को कौन पकड़ेगा, बाप जाता है कमाई करने को, बच्चे वाइफ जाती है किटी पार्टी पर, बच्चे आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहे हैं, क्या सिखाओगे, टाइम दीजिए, दोस्त बनाइए। इसलिए मैं कहता हूँ शक्तिमान की आवश्यकता है, और ये जो गाना बनाया है ये एक शुरुआत है, मैंने ये गाना इसलिए बनाया है कि आज के बच्चों को, जैसे मैं कहता हूँ कि कौन संजीवनी पहाड़ किसके लिए लाया था वो तो ठीक है, आज से 6 साल बीतने दीजिए, इंटेलिजेंस AI भी आ जाएगा साहब, ये बच्चे लोग दादाजी का भी नाम भूल जाएंगे, दे आर सो मच अहेड, भाग रहे बच्चे भागते हैं और भागते हैं, मैंने कई बार देखा भागते देखते और भाग रहे, भागो, और जब पहुंचते हैं तो देखते कुछ नहीं है, तो किसी को पूछते ए तू क्यों भागा, बोले मेरे को भी नहीं मालूम, सब भाग रहे थे तो मैं भी भाग रहा। सी दिस इज व्हाट अ शक्तिमान इज नीडेड मोर देन 97, एंड आई कांट टेल मच अबाउट माय प्रोग्रेस ऑफ माय फिल्म बिकॉज दैट्स वन इशू विच आई कैनॉट ओपनली डिस्कस, बट आई कैन टेल यू बन रही है, बनेगी, क्या बनेगी, लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि आज के बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और वो मार्गदर्शन जो है वो मैं समझता हूँ जो नया शक्तिमान आएगा, मुझे भी नहीं मालूम कौन आएगा, वो बच्चों को ज्ञान उतना नहीं देगा जितना पुराना शक्तिमान दे सकता, क्योंकि मेरी बच्चों के साथ केमिस्ट्री, मैं बच्चों के साथ बड़ा हुआ। कई लोग पूछते हैं आपकी उम्र क्या, मैंने कहा 107 साल, मैंने कहा मैं बच्चों के साथ छोटा हो रहा हूँ, मैं उन बच्चों को मार्गदर्शन या देना जो आवश्यक है, नया आने वाला शक्तिमान शायद एक्शन करे, सब कुछ करे, परफॉर्म करे, ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ फाइट्स होंगे, लेकिन साहब जब सिखाने का मौका आएगा तो पुराना शक्तिमान आई थिंक आपको ज़्यादा जरूरत है। इसलिए मैंने धृष्टता की है, मैंने आज ये गाना बनाया है, और एंड में कहा भी है कि ये तो शुरुआत है, आज़ादी के क्रांतिकारियों के नाम बच्चों को नहीं मालूम, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ नहीं बताया किसी को, उनको आतंकवादी बना के रख दिया है, जबकि उनको शहीदों का दर्जा देना चाहिए, जिसकी फाइट हम जयंद अभियान में कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के बच्चों को मालूम पड़े कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं वो अपना जो आज़ादी लेकर जो गाना बहुत मशहूर है कि बिना खड़ के बिना ढाल के आज़ादी हमने पाई है, बिना खड़क बिना ढाल साहब नहीं है, बिना खड़क बिना ढाल नहीं सर, लोगों के खून बहे हैं, कुर्बानियाँ हुई, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, आपने देखा होगा तुर्रम खान, इतने नाम हैं, 365 नाम है हमारे पास, पूरा कैलेंडर है, उनके बारे में कौन बताएगा साहब। इसलिए मैंने कहा चलो शक्तिमान को एक्टिवेट करते हैं, और इसीलिए मैंने ये दृश्यता की और ये गाना बनाया, बहुत अच्छा लिखा गया है, मैं तारीफ़ करूँगा दीपक त्रिपाठी जी के, जो हमारे जयंद अभियान के योद्धा हैं, और ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं सूर्य कमल जी,
और उसको नचाया है हम लोगों को इन्होंने, पप्पू खन्ना जी ने, और इन्होंने डायरेक्ट किया है। और ये सब मेरे मेरे साथी हैं जिन्होंने ये गाने में गाने को अच्छा बन गया, मैं समझता मैं जितना, और एक बहुत बड़ी धृष्टता जो मैंने की है, मुकेश खन्ना दी एक्टर, मुकेश खन्ना दी सिंगर बन गया, मैंने कभी जिंदगी में गाना नहीं। बट मुझे मैंने मैंने तीन गाने रिकॉर्ड किए, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत तीन आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ द, उसमें मैंने शान से गवाया, एक और गाना मैंने आनंद जी भाई से मैंने रिकॉर्ड करवाया 7.5 मिनट का, बड़ी मुश्किल से बनाया उनको, मैंने कहा आप ही करेंगे, वंदे मातरम द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री, और इतना अच्छा बनाया कि मैं पिछले 6-8 महीने से सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ शूट करूँ क्या शूट करूँ। उन्होंने तो बोला मुकेश जी 90 साल हो गए, काय को मुझे तंग करते हो, अभी मैं नहीं करूँगा, मैंने कहा आप ही करेंगे, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं बनाऊंगा ना तो ऐसा बनाऊंगा कि वो झाड़ू मारने वाली बोलेगी वंदे मातरम वंदे, ये नहीं वंदे वो नहीं। अभी हमको चाहिए जो वर्ड्स नेताओं को भी नहीं मालूम का, सो मैं कह रहा हूँ कि मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं, पहला ये गाना मैंने एग्जीक्यूट करके शूट कर दिया है, जिसमें ये हम लोगों ने इसको शूट करके रिलीज़ किया है, और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है गाना, और भी हम करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई मेड दिस सॉन्ग, सिंपली आज के बच्चों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि हमें आज़ादी दे दी, हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कल दिया कमाल, इससे ज़्यादा भी क्रांति हुई थी। सो आई होप यू हैव लाइक इट, एंड वी विल मेक अनदर 4, मैं और लेकर आऊँगा बाद में, अभी कुछ पर्सनल बातें करनी है तो हम वहाँ चलें जी।